चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब सिद्धू अपनी पुरानी फील्ड में वापसी करने वाले हैं। सिद्धू ने अपने फेसबुक पेज पर स्टार स्पोर्ट्स की एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि सिद्धू आईपीएल में कमेंट्री करेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या आने वाले समय में सिद्धू राजनीति में सक्रिय रहेंगे या नहीं। मेरी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां मेरे नाम से आग लग जाती है। वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादे को वजीर बना दे और कभी जरा सी गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। चुनावों से पहले गुरु का मास्टर स्ट्रोक, पॉलिटिक्स छोड़ प्रीमियर लीग किया ज्वाइन, क्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार से बनाएंगे दूरी गुरु, आईपीएल में कमेंट्री का ऐलान, जरूरी या मजबूरी। पंजाब की पॉलिटिक्स में दहाड़े मारकर अपने विपक्षियों की बोलती बंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बड़ा दांव खेल दिया है। स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में कमेंट्री करते नजर आएंगे। तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर के साथ लिखा है, सरदार ऑफ कमेंट्री बॉक्स इज बैक। सिद्धू ने इंडियन पॉलिटिक्स लीग में कमेंट्री छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है। नवजोत सिंह सिद्धू कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, मीडिया से बातचीत में ये कह चुके हैं कि जो कुछ भी इतने सालों के दौरान हुआ उससे उनकी आमदन घट गई। उन्होंने करोड़ों रुपए का टीवी शो छोड़ दिया और जो भी उनकी आमदन होती थी राजनीति के चक्कर में वो भी जाती रही। परिवार ने काफी उतार चढ़ाव देखे, उनकी पत्नी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सिद्धू ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि उनकी आमदन बहुत कम हो गई है, कुछ उनके पास दुकानें जिनका किराया आता है जिससे खाना खर्चा और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू बतौर कमेंट्रेटर अब वापसी कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ सिद्धू कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के तौर पर भी माने जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गुरु क्रिकेट में कमेंट्री के साथ पॉलिटिक्स में तालमेल बिठा पाएंगे, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसी दौरान आईपीएल लीग भी खेली जाएगी। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बतौर कांग्रेसमैन लोकसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर हैं। अभी घोषणा उसकी होनी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू बतौर स्टार प्रचारक और क्रिकेट कमेंट्रेटर तारतम्य कैसे बिठाएंगे, कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे, क्या वो क्रिएट के लिए समय दे पाएंगे, कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए भी समय निकाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्रिकेट कमेंट्री और कॉमेडी में हाथ आजमाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स में तेजी से एक्टिव हुए थे और पंजाब की पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाई थी। अब वो एक बार फिर क्रिकेट की कमेंट्री की तरफ लौट रहे हैं, लिहाजा उनके विरोधी उनके इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, उनको जाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो कोई ज्यादा योगदान किसी भी काम में वो डाल नहीं सके, तो अच्छा है। वो फील्ड के उसके एक्सपर्ट हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छी कमेंट्री करेंगे तो अच्छी कमेंट्री लोगों को सुनने को मिलेगी। इधर राजनीति में कुछ सनाक काम होगा तो अच्छी बात है। नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिही शख्सियत है कि उन्होंने दिल कितने भी ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। उन्होंने बड़े डिफरेंट हैट्स वियर किए हैं और ये तो उनका पुराना है, ओल्ड है, जैसा सूट करेगा, बिकॉज ही हैज़ बिन इन टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देन ही हैज़ बिन एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, एमएलए आल्सो, देन स्टेट प्रेसिडेंट और मिनिस्टर भी रहे, पर उनका मन कहीं नहीं लगता। नवजोत सिंह सिद्धू करीब पिछले 6 साल से क्रिकेट से दूर थे और पॉलिटिक्स में छक्के चौके लगा रहे थे, पर बीते कुछ महीनों से वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। इसकी एक वजह सिद्धू का बागी तेवर भी है, क्योंकि वो पार्टी की बैठकों के समानांतर अपनी बैठकें भी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में उनके खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है और ऐसी ही नाराजगी सिद्धू ने आज तक से बातचीत में जाहिर की थी और कहा था कि राजनीति का खेल अलग है। सात रंग मुझे परमात्मा ने दिए,
लेकिन वहां मेरा अपना दम, मेरी अपना शौर्य, मेरा अपना बल काम आता था। लेकिन पॉलिटिक्स में 5 को 50 कर देते हैं, 50 को 500 कर देते हैं, 500 को कई बार 100 कर देते हैं। तो यहां लड़ाई बड़ी डिफरेंट किस्म की है। यहां तुम्हारा अपना मेरिट काउंट नहीं करता। यहां अब मैं क्या कहूं कि यहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद हाईकमांड समझेगी, मैं तो वचनबद्ध हूं। बहरहाल लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स में सिद्धू कितने एक्टिव रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, पर एक बात तो तय है कि सिद्धू की कमेंट्री से फैंस के लिए आईपीएल का मजा दोगुना होने वाला। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू क्रिकेट की दुनिया में वापसी कर रहे हैं, पर क्या अकाली दल चुनाव से पहले एनडीए में वापसी करेगा या नहीं, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इस पर फैसला 22 मार्च को होगा, अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग में होना है, पर उससे पहले अकाली और बीजेपी नेताओं का इस गठबंधन पर क्या कहना है जरा देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन में होकर भी सीटों को लेकर बात नहीं बनी और दोनों ही पार्टियां 13-13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पर क्या चुनाव से पहले अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की गांठ बांध पाएगी, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई, जिसकी एक बड़ी वजह चंडीगढ़ में 22 मार्च को होने वाली अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की अफवाहें पिछले कुछ महीनों से चल रही, पर किसान आंदोलन के चलते इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ। पर अब जब लोकसभा की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाने की तारीख तय हो गई है, तो एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी के साथ साथ आने की खबरें सुर्खियां बन रही है। देखो, हमारी जो गठजोड़ अलायंस है वो तो 96 से है, और हमारा पॉलिटिकल कम है, हमारा तो हिंदू सिख भाईचारे का ज़्यादा है, उसी के तहत हम काम करते हैं। हम कहते हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और जहाँ जितना अच्छा भाईचारा रहेगा लोगों का, उतना ही पंजाब उसमें प्रॉस्पर करेगा। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो अकाली दल वालों ने 22 तारीख को अपनी मीटिंग बुलाई है, और जो ये फैसला करेंगे उसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग होगी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड करेगी, उसके बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही आगे बात चलेगी। एक तरफ तो जहां बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के संकेत आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अकाली नेता दलजीत चीमा ने भी आज तक से खास बातचीत में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की खबरों पर आंशिक तौर पर मुहर लगाई। जब भी इम्पोर्टेंट जो इशू होता है, इलेक्शन चल रही है, तो कोर कमेटी जब भी बैठती है तो सभी एंगल्स को देखती है, जो पंजाब की मौजूदा स्थिति है, जो देश की मौजूदा स्थिति है, इलेक्शन की स्ट्रेटजी भी हमने बनानी है कि कब कंपेन किस तरीके से चलेगा, कौन कौन कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ देगा। तो जब भी कोर कमेटी हाईएस्ट बॉडी है, सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। मतलब संभावना है? नहीं, संभावना तो जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ होगा हम मीडिया को बताएंगे। आज मेरे लिए ये कहना कि किसके साथ अलायंस हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा, ये थोड़ा मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन पर पेच फंसने की सबसे बड़ी वजह किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा और बंदी सिखों के लिए आई, जिसके चलते अब तक दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई। पर अब जब एनडीए में अकाली दल की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं, तो कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है। जो अकाली दल है, कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी देश में अगर कोई जमात है तो श्रोमणी अकाली दल है। ये होंद में आई 1925 में, तकरीबन 100 साल हो गए, कांग्रेस को हो गए 137 साल। सो बात ऐसी है, ये सिख पॉइंट ऑफ व्यू को और किसानी के पॉइंट ऑफ व्यू को अभी तक रिप्रेजेंट करती आई, और पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ है, जो वादे किए थे मोदी साहब ने, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी और अकाली के खाते में सिर्फ 2-2 सीटें आई थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। उस वक्त अकाली दल का वोट शेयर देखें तो वो 27.45% था, बीजेपी का 9.63% और आपका 7.38% था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अगर अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिल सकता है।
चंडीगढ़ से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके तरनजीत सिंह संधु अब पॉलिटिक्स में हाथ आजमाएंगे। तरनजीत सिंधु आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद संधु ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी तरनजीत सिंह संधु को अमृतसर से उम्मीदवार बना सकती है। संधु बीते 15 दिन से अमृतसर में ही रुके हुए थे और स्थानीय लोगों से लगातार मुलाकातें कर रहे थे। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले तरनजीत सिंह पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के साथ काम कर रहे हैं और इंडिया यूएस रिलेशन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद से अमृतसर सीट पर बीजेपी की जीत नहीं मिल पाई है। सिद्धू अमृतसर सीट से लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही पब्लिक भी एक्टिव मोड में आ चुकी है, क्योंकि उसे भी सियासी हवा के साथ साथ अगले 5 साल के लिए अपने सांसद का सिलेक्शन करना है। चुनाव को लेकर जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए अमृतसर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। लोगों की क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, जरा सुनिए। सभा चोणां नूं लै के सारियां पार्टियां तैयारियां जुटियां वा ते नाल ही आम आदमी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारां दा वी पंजाब दे विच 8 उम्मीदवारां दा ऐलान कर दिता है, लेकिन हालांकि दूसरी पार्टियां द्वारा हले पत्ते नहीं खोले गए। लेकिन लोग इस बारी की सोचते हैं, लोक सभा चोणां दे विच की वेख के लोग उम्मीदवारां नूं दा चुनाव करनगे? सो साडे नाल लोग मौजूद है, लोगों नाल गल करांगे। भाई जी, लोक सभा चोण है, की लगता कि इस बारी की होएगा या की लगता कि लोग तब्दीली लियाओगे? बिल्कुल तब्दीली लियाणगे जी। जिहड़ा इंडिया गठजोड़ बनिया वा, तब्दीली आनी भी चाहिए आ, क्योंकि 10 साल हो गए आ। 10 सालों के अज आम लोगों का जड़ा ना इतने बहुत महंगाई जी, गरीब बंदे की लोड़ तो बाहर हो गया खर्चा। भाई जी, लीडर की आपसी रंजिश, भाई की लगता है कि इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा? हाँ बिल्कुल हो रहा सर, मतलब नुकसान पूरा हो रहा है लोगों को, और सरकार बदलनी भी चाहिए सर इस बार, और वोट भी इस बार बदलाव नहीं पाया जाएगा। की लगता है कि पहल के आधार पर की काम होने चाहिए? पहल तो देखो मेन तो मुद्दा ही है महंगाई का और अनइंप्लॉयमेंट का, सब तो मुद्दे यही है दो। भाई जी, आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कि सोचते हो, कि लगता है कि होर सीट कि रहने वाली है पंजाब? देखो जी, सब तो पहला तो जी होर सीट है, मैं लगता है कि अपना जो साढ़े अपने ओजला साहब है उन्होंने, क्योंकि आप किसी के मतलब फेवर च नहीं है, जो उन्होंने काम किए हैं और बोलते हैं, गवर्नमेंट जी इस टाइम चल रही है वो भी कंडीशन ऑलमोस्ट सारे पता है कि उन्होंने की किया हूँ तक। भाई जी, आम आदमी पार्टी का फायदा मिलेगा? 92 सीटा आम आदमी पार्टी दियाँ, अमृतसर की गल करिए तो अमृतसर 9 विधायक आम आदमी पार्टी के। जे आम आदमी पार्टी की गल करिए सारे इस गल तो जाणो, लोग जाणो कि जेडे वादे किए तक पूरे हो ही नहीं है, तो हूँ अगे वादे करे लोगों का विश्वास उन्हों का बिल्कुल उठ चुका है। बाकी हमेशा इदा जनता नाल हुंदा कि लीडर अखबारों के प्रेस राही बड़े बड़े वादे करती है, स्टेजों के उत्ते बड़े बड़े वादे करते, पर अज तक वादे पूरे नहीं होंगे। ओड़े वादे स्टेजों के गल्लां स्टेजों के ही रह जांदियां, उत्थे ही रह जांदियां। गरीब नूं हमेशा गुमराह किया जाता, गरीब वर्ग के लोगों नूं ना उन्हां तक कोई सहूलत पहुँचती है। गैंगस्टर जरनैल सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया की गोली से शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल अमृतपाल के परिजनों से मिलने के लिए सीएम भगवंत मान होशियारपुर के जंडोर गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहीद कांस्टेबल के पिता और पत्नी से मुलाकात की है, संवेदना व्यक्त की गई और उनका दुख भी साझा किया। मुलाकात के बाद सीएम मान ने घोषणा की कि अमृतपाल के नाम पर गाँव में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। सियासत में कोई सगा नहीं होता, ये बात उन लोगों के लिए कही जाती है जो चुनावी मौसम में हवा का रुख देखकर अपना पाला बदलते रहते हैं, पर सियासत के चक्कर में सगा भी अपना नहीं हो पाता, ये कहते हैं संगरूर के विधायक नरेंद्र कौर। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि कैसे पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका अपना ही बच्चा उन्हें पहचानना भूल चुका था। देखिए आज तक संवाददाता बलवंत सिंह की यह खास रिपोर्ट। तौर पर जो अगर मैं कदे गल करा तो मतलब परिवारक तौर पर किमें बच्चा छोटा है बेबी, तुम अक्सर जिक्र करते हो कि बड़ा मुश्किल हो जाता एक माँ के लिए, किमें फिर विचरते किमें, क्योंकि तुम कम करना विधानसभा तस्वीर थोड़ी देखी एक, तुम बेबी मतलब कि गोदी में लैके विधानसभा ही पहुँचे। बिल्कुल देखो एक माँ का की एहसास हों की अपने बच्चे के लिए प्यार हों, एक माँ ज़्यादा चंगी तरह समझ सकती है। मैं जो जिमें गल की
ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ 2 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੌਣ ਮੰਮੀ? ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ। ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों को मुनाफे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि इसमें न सिर्फ चंडीगढ़ में पॉल्यूशन कम हो रहा है इससे बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग को भी भारी मुनाफा हो रहा है। देश के खूबसूरत शहरों में शामिल चंडीगढ़ की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारी चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने में लगे हैं और इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक 2 साल पहले राजधानी में 80 बसों को चलाया गया था, जिससे करीब 17.17 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और करीब 20 लाख लीटर डीजल बचाने के साथ 5500 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोका गया। बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब तक हम इलेक्ट्रिक बसेस पे 1 करोड़ से अधिक किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, जिसके तहत हमने लगभग 20 लाख लीटर डीजल जो है उसकी खपत को रोका है। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की अगर मैं बात करूं तो 54 लाख से अधिक हमने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रोका है। और अगर मैं टन्स की बात करूं तो लगभग 5500 टन हमने एमिशंस को रोका है। इस कामयाबी के बीच अधिकारियों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पहल में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, जिसके चलते इस साल 100 और नई बसों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में CTU की सभी 350 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। देखिए, प्रशासन इस मामले में बहुत गंभीर है। हमारे आला अधिकारी इस विषय पर काफ़ी गंभीर हैं कि जो चंडीगढ़ है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफाई हो पाए। इस साल अगर मैं बात करूं तो हमारी 100 बसेस का टेंडर भारत सरकार द्वारा फाइनल कर दिया गया है, जिसमें PMI कंपनी की बसेस 100 बसेस वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और इस साल वो 100 बसेस और इन 80 से अलग हमारी सड़कों पर दौड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि विभाग के अधिकारियों की ओर से भविष्य के लिए किए जा रहे दावे कितने सही साबित होते हैं। चंडीगढ़ से दलित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।